अनबॉक्स एनीथिंग के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं वो है एक मोबाइल ट्राइपॉड माउंट, जो रिसेंटली मैंने अपना ट्राइपॉड खरीदा है उसके लिए मैंने परचेज किया है अमेज़न से। ये मुझे पड़ा है 300 रुपीज का, 310 के आसपास ये आपको मिलेगा और देखने में काफी अच्छा लगा था। रिव्यू रेटिंग वगैरह चेक करके मैंने लिया है। अगर ये अच्छा होगा तो आपको भी इसकी बाइंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं किस तरह का ये देखने के लिए मिल जाता है और क्या इसकी फिटिंग वगैरह ठीक आती है कि नहीं आती है। ये है मेरे ट्राइपॉड का पैड जिसके ऊपर मैं अपना DSLR फिट करता हूं, इसी के ऊपर ये फिट होगा और सारी चीजों के ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ मैं अपनी ओपिनियन भी आपको दूंगा कि आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बॉक्स कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहली और अच्छी चीज तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये मेड इन इंडिया है। थोड़ा सा फोकस करिए कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे जाएं। मजबूरी में अगर किसी और कंट्री का लेना पड़े तो लेना पड़े, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो मेड इन इंडिया ही खरीदने की कोशिश आपने करनी है। चलिए इसके अंदर, हम बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है लेकिन काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है जिसके अंदर वारंटी दी गई है, तो आप समझ सकते हो कि क्वालिटी तो जाहिर सी बात है इसकी अच्छी होने वाली है। और देख सकते हैं ये ट्राइपॉड माउंट कुछ इस तरह से, आप इसको पीछे से यहां से ढीला करके इसको रोटेट कर सकते हो। तो ट्राइपॉड के ऊपर अगर आप अपना स्मार्टफोन लगाना चाहते हो तो ऊपर आपको स्क्रू दिया गया है, इसको ढीला करके आप इसके अंदर अपना स्मार्टफोन जो है वो फिट कर सकते हो। बड़े से बड़ा स्मार्टफोन भी इसके अंदर बहुत ही आसानी से फिट हो सकता है। ये देख लीजिए, मैं यहां पर फिट करके आपको दिखा रहा हूं। ये देख लीजिए, हमारा स्मार्टफोन फिट हो चुका है। अब इसको एक बार ऊपर आपको एक बोल्ट दिया गया है, इसकी सहायता से आप इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद में अगर आप वर्टिकल शूट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल शूट करना चाहते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल रख करके नीचे से टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद में जो आपका पैड है, जो ट्राइपॉड माउंटिंग पैड है, उसके अंदर इसको कस दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल फिट हो चुका है। फिट होने के बाद में काफी अच्छी क्वालिटी का है, रियली में पैसा वसूल प्रोडक्ट मुझे ये नजर आ रहा है। अब मैं इसे अपने स्मार्टफोन के साथ में बहुत ही आसानी से फिट कर पाया हूं और ढीला करना चाहूं, इसे निकालना चाहूं तो निकाल सकते हो। किसी और भी स्मार्टफोन को आप इसके अंदर बहुत ही आसानी से फिट कर सकते हो। चलिए इसको जरा ट्राइपॉड पर लगाकर मैं आपको दिखाता हूं। मुझे मोबाइल होल्डर काफी बढ़िया लगा, इसकी बाइंग लिंक आपको जरूर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और ये जो है मल्टीपल यूज कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल रखना चाहते हैं स्मार्टफोन को दो, वो भी आप इसके साथ में कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं इसको वर्टिकल करके। इसको वर्टिकल करना बहुत आसान है, नीचे से आप ढीला कर लीजिए, ढीला करने के बाद में इसे रोटेट कर दीजिए, रोटेट करने के बाद में सिंपली कस दीजिए। अब कसने के बाद में अगर आप टिकटॉक वीडियोस वगैरह बनाते हो तो उसके लिए भी आपका ट्राइपॉड जो है बिल्कुल रेडी है। अब आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने स्मार्टफोन को रिकॉर्डिंग पे डालिए और अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेम यही प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बाइंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।